पिछले क्लास में बच्चों हम लोग आनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग हमने देखा था, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है या रूपांतरण प्रयोग या रूपांतरण सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें हम बताए थे कि उन्होंने एक माइस लिया था और पहले उन्होंने अपने लैब में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, जिससे न्यूमोनिया रोग होता है, उसको ग्रो कराया। तो वहाँ दो तरह की कॉलोनी मिली थी, दो समूह मिली थी, एक देखने में रफ थी और एक स्मूथ थी, जिसको रफ को आर स्टेन कहा गया और स्मूथ को एस स्टेन कहा गया। तो उसके बाद यह भी पाया गया था रिसर्च के द्वारा कि जो आर स्टेन था वो नॉन वायरुलेंट था, वो विषाक्त नहीं था, उस आर स्टेन के द्वारा न्यूमोनिया नहीं हो रहा था और एस स्टेन के द्वारा न्यूमोनिया हुआ था। फिर उन्होंने बताया थे प्रयोग में, उन्होंने पहले आर स्टेन दिया तो क्या हुआ, माइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आर स्टेन एलाइव दिया तो माइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर एस स्टेन का इंजेक्शन दिया माइस में, माइस डेड कर गया, कहे कि एस स्टेन विषाक्त था। फिर उन्होंने क्या किया कि आर स्टेन को हीट किल करके मार दिया एस स्टेन को। एस स्टेन को क्या किया उन्होंने कि हीट किल किया और मार दिया, उसका इंजेक्शन दिया माइस में, तो माइस क्या हुआ कि डेड, माइस जो है वो नहीं डेड हुआ। जब एस स्टेन को हीट करके किल्ड कर दिया गया और उसका इंजेक्शन माइस को दिया तो माइस नहीं डेड किया। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्टेन हीट की जिससे माइस नहीं डेड हो रहा था, और आर स्टेन अलाइव दोनों का मिक्सचर बनाया और उसका उसको इंजेक्ट किया माइस की बॉडी, तो क्या देखा गया कि माइस डेड कर दिया था। अलग अलग दिया गया था एस स्टेन हीट के तो माइस डेड नहीं हो रही थी, आर स्टेन दिया जा रहा था अलाइव तो माइस डेड नहीं हो रही थी, लेकिन तो दोनों को मिक्स करके उसका इंजेक्शन तैयार कर दिया गया तो माइस डेड हो गई। और डेड माइस की बॉडी में उसको जब एग्जामिन किया गया तो उसमें एस स्टेन अलाइव मिले थे, लिया गया था हीट के, लेकिन डेड माइस की बॉडी में क्या मिले थे आपको, जीवित एस स्टेन मिला था। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था कि नो डाउट एस स्टेन हीट किल, जो एस स्टेन जीवाणु को समूह को हीट करके किल्ड कर दिया गया, नो डाउट उसमें कोई ना कोई ऐसा पदार्थ था जिसके चलते आर स्टेन अलाइव, जो आर स्टेन जीवित था, वो एस स्टेन जीवित में रूपांतरित हो गया और उसे निमोनिया हो गया और माइस। तो उन्होंने कहा कि यह जरूर आनुवांशिक पदार्थ ही होगा जो एस स्ट्रेन हीट किल में मौजूद था, जिस आनुवांशिक पदार्थ के चलते आरएनए स्ट्रेन एस स्ट्रेन में रूपांतरित हो गया और माइस डेड हो गई। लेकिन वो क्या था, वास्तव में क्या था, आरएनए था कि डीएनए था कि प्रोटीन था, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या था, जैव रासायनिक बनावट क्या था, इसके बारे में उन्होंने नहीं कहा। यह बात पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद इनके एक्सपेरिमेंट को तीन वैज्ञानिकों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। एवरी नाम था एक का, AVERY एवरी, दूसरे का मैकलियोड और एक का नाम था मैकार्टी। एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी, ये तीन वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इनके एक्सपेरिमेंट को फिर से चेक करके देखा गया कि वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ क्या था। ये आपके अध्यक्ष में पूछा जाता है कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था उसको दोबारा से किसके द्वारा, इन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर उस एस स्ट्रेन हीट की लिमिट था क्या, आइदर इट वाज प्रोटीन और इट वाज आरएनए और डीएनए, बाय विच आरएनए स्ट्रेन बिकेम ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन एंड माइस कंप्लीट। उन्होंने यह जानने का चाहा कि जो वास्तव में ये था क्या उस एस स्ट्रेन हीट की लिमिट जिससे कि माइस मर गया था। इन्होंने जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट था इसको उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने जहाँ तक छोड़ दिया था उसके बाद इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को आगे किया। और जैसे आप लोग बुक में देखिएगा उनका एक्सपेरिमेंट कुछ अलग है,
उसके कुछ समय बाद ये लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं तीनों वैज्ञानिक ने, एवरी मैक्लियोड और मैकार्ट। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने जो क्या किया कि जो एस एस्टेन था, एस एस्टेन हिट किल जो था, इसको इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इसको प्रोटीनेज प्रोटीनेज एंजाइम जिससे प्रोटीन डिजॉल्व हो जाता है, इस एस एस्टेन हिट किल को प्रोटीनेज एंजाइम के साथ ट्रीट किया। अब क्या होगा इसमें, अगर इस एस एस्टेन हिट किल में अगर थोड़ा सा प्रोटीन का अमाउंट होगा तो खत्म हो जाए। और तब उन्होंने ऐसा ट्रीट करने के बाद इसको उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया इसमें माइस में, तो देखा गया कि माइस पर, माइस जो है वो इसके साथ एस एस्टेन हिट के साथ प्रोटीनेज को ट्रीट किया गया, इससे मिला दिया गया, तो इसमें जो प्रोटीन का अंश होगा खत्म। अब माइस में भी इसको इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि माइस जो है वो डेड कर गए। फिर उसी तरह से क्या किया गया, सेम चीज इसी एस एस्टेन हिट के लिए में, अब इसके प्रोटीनेज के बाद आरएनए एज, यह एंजाइम दिया गया दूसरे बार, पहला बार में ये काम, दूसरा बार में ये काम किया गया इसी एस एस्टेन हिट किल के साथ। क्या किया गया, इसी एस एस्टेन के साथ आरएनए एज एंजाइम इसको ट्रीट किया गया, और ट्रीट करने के बाद फिर माइस को इंजेक्ट किया गया। क्या देखा गया, माइस डेड। तो यहां तक क्लियर हो गया कि प्रोटीनेज एंजाइम से जब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एस एस्टेन हिट किल को, तो माइस डेड हो जा रहा है, या आरएनएज को के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो माइस डेड हो जा रहा है। मींस कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया है, जो रूपांतरण होने की प्रक्रिया है, आप उस पर इस दोनों एंजाइम का काम, इस दोनों ही एंजाइम का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ट्रांस आप प्रोटीनेज के साथ यहाँ आप भी ले सकते हैं आर एस्टेन एलाइव भी आप यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि उसका मिक्सचर तैयार किया गया है, पता कैसे चलेगा आर एस्टेन एलाइव, और यहाँ भी आप लिख दीजिए आर एस्टेन एलाइव, एलाइव मतलब जीवित। ये दिया गया माइस में, माइस डेड, ये दिया गया माइस में तो भी माइस डेड। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रिफिथ साहब ने क्या किया था, ग्रिफिथ के जो एक्सपेरिमेंट किया था कि आर एस्टेन हीट की के साथ क्या मिला गया था, आर एस्टेन एलाइव, और उसको मिला करके उसका उससे इंजेक्शन तैयार करके माइस में दिया गया था, माइस डेड कर, ठीक है, लेकिन वो बता नहीं पाए थे कि वैसा क्या था एस एस्टेन हीट की में जिससे माइस आर एस्टेन, माइस जो है वो एस एस्टेन में एलाइव में बदल गई थी, आर एस्टेन एलाइव एस एस्टेन एलाइव में बदल गया था। तो इस पर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर वो था क्या। तो उन्होंने क्या किया कि पहले जो एस एस्टेन हिट किल है उसको प्रोटीनेज के साथ ट्रीट किया। प्रोटीनेज, व्हाट इज प्रोटीनेज, एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट और डिजॉल्व प्रोटीन, इसके साथ उन्होंने ट्रीट किया, तब आर एस्टेन एलाइव को के साथ इसका मिक्सचर तैयार करके और माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस देखा गया डेड। फिर लाइक वाइज वही एस एस्टेन एलाइव के साथ आरएनए एज, जिससे आरएनए का अगर इसमें अमाउंट है वो डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इसके साथ इसको मिक्स किया, फिर आरएस्टेन एलाइव के साथ इसको मिक्स करके पहले इसके साथ ट्रीट किया, फिर आरएनए आरएस्टेन एलाइव के साथ इसको मिक्स करके माइस में दिया गया, तो माइस डेड कर दिया। इट मींस ये इंडिकेट किया
रूपांतरण प्रक्रिया पर, जो फ्रेडरिक महोदय जो रूपांतरण प्रक्रिया कर रहे थे, उस रूपांतरण प्रक्रिया पर प्रोटीनेज एंजाइम का और आरएनए एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ठीक है, अब लास्ट उन्होंने क्या किया, लास्ट उन्होंने क्या किया कि फिर वही एसिस्टेंट हीट किल, ठीक है, एसिस्टेंट हीट किल जो है, एसिस्टेंट हीट किल को उन्होंने किसे ट्रीट कराया, डीएनए एज के साथ, किसके साथ ट्रीट कराया, डीएनए एज के साथ। डीएनए एज वह एंजाइम जो इसमें जो भी डीएनए है उसको डिजॉल्व करके डाइजेस्ट कर, और तब इसको उन्होंने आर स्ट्रेन एलाइन के साथ मिक्स किया, एसिस्टेन को पहले डीएनए एज के साथ ट्रीट किया, तब आर स्ट्रेन एलाइन के साथ उन्होंने मिक्स किया, और इसके बाद इसका इंजेक्शन तैयार करके माइस बॉडी में इंजेक्ट किया गया, तो देखा गया माइस नहीं मरी, माइस एलाइन। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पर प्रोटीन का, प्रोटीनेज का प्रभाव नहीं पड़ा था, आरएनएज का प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन डीएनए एज का प्रभाव पड़ रहा था। तो डीएनए एज क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को डिजॉल्व करता है, मींस एस स्ट्रेन हीट किल में जब डीएनए एज दिया गया तो इसमें जो भी डीएनए कॉम्पोनेंट बचा हुआ था वो डिजॉल्व हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब इसके साथ आरएनए आर स्ट्रेन एलाइड को मिक्स किया गया तो क्या हुआ, इसमें तो डीएनए है ही नहीं, जिसे आर स्ट्रेन एलाइड एस स्ट्रेन एलाइड में रूपांतरित नहीं हुआ, माइस को निमोनिया नहीं हुआ, माइस नहीं मरी। इससे यह क्लियर हो गया कि एस स्ट्रेन एलाइड, एस स्ट्रेन जो हीट किल हुआ था, एस स्ट्रेन हीट किल में डीएनए ही वह पदार्थ था या डीएनए ही वह अनुवांशिक पदार्थ था जिसके चलते आर स्ट्रेन एलाइड एस स्ट्रेन एलाइड में रूपांतरित हो जा रहा था और उसके चलते माइस डेड हो जा रहे थे। इसको उन्होंने ऐसा भी किया, फिर इसको उन्होंने एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ऐसा भी उन्होंने किया, आप वो पढ़िएगा कि जो एस स्ट्रेन हीट किल है इसमें से मान उन्होंने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया, एक्सट्रैक्ट आउट मतलब कि एस स्ट्रेन हीट किल में से प्रोटीन का जो भी मात्रा था उन्होंने बाहर निकाल दिया, फिर आर स्ट्रेन एलाइड के साथ मिक्स किया और माइस में दिया, ठीक है, तो माइस क्या हो गया, डेड। फिर उन्होंने फिर एस स्ट्रेन हीट किल में से क्या किया, उन्होंने आरएनए एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया, आरएनए निकाल दिया, फिर आर स्ट्रेन एलाइड के साथ मिक्स किया, माइस को दिया, माइस डेड। अब इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन हीट किल में से डीएनए को निकाल दिया, फिर आर स्ट्रेन एलाइड के साथ मिक्स करके दिया, तो क्या हुआ, माइस पर असर नहीं पड़ा। यानी कि यह क्लियर हो गया कि एस स्ट्रेन हीट किल में वह पदार्थ या वह अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही था जिसके चलते आर स्ट्रेन एलाइड एस स्ट्रेन एलाइड में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था, माइस में निमोनिया हो जा रहा था और माइस डेड कर जा रही थी। और इस एक्सपेरिमेंट से, इन तीनों के हेल्प से, ये तीनों ने यह क्लियर कर दिया कि इट वॉज डीएनए which act as genetic material and by which the DNA of S strain hit kill, R strain alive became transformed into S strain alive and mice become dead. तो इस तरह से transformation experiment और Henry McEwen McCarthy के हेल्प से फाइनली यह क्लियर हो गया था कि डीएनए आरएनए और प्रोटीन में से डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आप लोग बुक पढ़िए जरूर से, अगर दिक्कत हो तो कोई बात फिर से बोलिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे समझाए हैं बुक में वैसा ही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये आपसे सवाल पूछा जाता है दो नंबर में या एक नंबर में आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है या रूपांतरण क्या होता है, या पांच नंबर प्रश्न आ जाएगा एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ,
या ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत की व्याख्या करें या ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग को स्पष्ट करें। तो आपको जो हम पहले गुण पर समझाए थे वो टोटल बात डिटेल लिखना पड़ेगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 या समथिंग ईस्वी है उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने लैब में जब उसके कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया तो उसकी दो कॉलोनी मिली थी, एक देखने में खुरदरी थी बाहर से और दूसरा चिकनी सतह वाली थी। चिकनी काय थी कि उनके वो जो समूह मिला था उनके कोशिका भित्ति के ऊपर सेल वाल के ऊपर एक खास तरह का कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर था, खास तरह के पॉलीसेक्राइड का लेयर था जिससे चलते उसका अपीयरेंस शाइनी अपीयरेंस हो जा रहा था। तो रफ जो समूह मिला उसको आर स्ट्रेन कहा गया, आर प्रभेद कहा गया, स्ट्रेन या प्रभेद हिंदी क्या होता है इसका प्रभेद, मतलब यहाँ आप टाइप कर सकते हैं बराइट। और एस एस जो चिकनी वाली थी उसको एस स्ट्रेन कहा। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से जान लिया था कि उसमें एस स्ट्रेन क्या है वो वायरुलेंट है यानी विषाक्त है, उसी के चलते निमोनिया रोग हो रहा है आर स्ट्रेन से नहीं हो रहा है। बाकी उन्होंने हम आपको आते आते समझाए हैं प्रक्रिया है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, लेकिन इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया हर्षी और चीज के द्वारा। और हर्षी और चीज के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसके बाद कोई इफ बट नहीं रहा या कोई किसी को डाउट नहीं रहा कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, इस बात पर किसी को कोई डाउट नहीं रहा आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्षी एंड चेज। इस बार फिर आपको बुक में मिलेगा हर्षी और चेज का एक्सपेरिमेंट, वो भी आता है कभी कभी 5 नंबर में आपके परीक्षा में। हर्षी एंड चीज एक्सपेरिमेंट, तो हर्षी एंड चीज एक्सपेरिमेंट कहला क्या बताने के लिए कि वह डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, यह बताने के लिए हर्षी और चीज का एक्सपेरिमेंट क्या है। तो देखिए इन्होंने भी यह एक्सपेरिमेंट करके फाइनली कंक्लूड किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद अब किसी वैज्ञानिक हर वैज्ञानिक मान गए और अब किसी तरह का कोई शंका नहीं रहा, कोई भी इनके एक्सपेरिमेंट पर इफ बट नहीं लगाया और यह यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि एक्सेप्ट सम वायरस कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, तो इन्होंने जैसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ महोदय बैक्टीरिया पर वर्क किया था, हर्षी और चेज एक्सपेरिमेंट और हर्षी और चेज जो थे इन लोगों ने बैक्टीरियोफाज वायरस पर वर्क किया था। किस पर वर्क किया था? तो इन्होंने वर्क किया था बैक्टीरियोफाज वायरस पर। इस पर वर्क किया था बैक्टीरियोफाज वायरस पर वर्क किया था। तो इन्होंने इस पर आपको लिखना पड़ेगा हर्षी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने किस पर वर्क किया? तो वर्क ऑन, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चुना? तो इन्होंने वर्क ऑन, इन्होंने बैक्टीरियोफाज वायरस पर वर्क किया था। इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी विषाणु। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी विषाणु, इसी पर इन्होंने वर्क किया था। ठीक है, हर्षी और चेज एक्सपेरिमेंट कहला हर्षी और चेज एक्सपेरिमेंट किस काम के लिए? तो यह बताने के लिए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो इन लोगों ने किस पर वर्क किया था? तो जीवाणु भोजी विषाणु, वह विषाणु जो किसी जीवाणु से अपना पोषण लेता है, जो किसी जीवाणु को संक्रमित करता है और उसके हेल्प से अपना रिप्रोडक्शन करता है।
आप इसका ऐसे भी तोड़िएगा इसको, तो बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियो का मतलब क्या होता है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और फाज का मतलब होता है ईटर, यानी कि जीवाणु को संक्रमित करने वाला, ठीक है, एक ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करे, जीवाणु को खा जाए। तो देखिए ये आपका जीवाणु भोजी विषाणु है जो मुख्य रूप से दो चीज का बना हुआ है, इसका बाहर से प्रोटीन का बना हुआ आवरण है, इसे हम कैप्सिड कहते हैं। ये जो कैप्सिड है ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, ठीक है, और इसके अंदर इसका अनुवांशिक पदार्थ, ये इसका कैप्सिड है जो प्रोटीन का बना हुआ है, और ये इसका डीएनए है जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है इसमें, यानी कि दो चीज यहां है, एक प्रोटीन है और डीएनए, इसमें से यह क्लियर हो जाएगा कि कौन डीएनए का कार्य करता है। तो मैंने किस पर काम किया, इस पर, ये आपका बैक्टीरियोफाज वायरस का जीवाणुभोजी विषाणु का फिगर हो गया, ये दो चीज का बना हुआ है, इसमें प्रोटीन की बनी हुई इसकी बाहरी आवरण किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई इसकी बाहरी आवरण होती है, इसके अंदर इसका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए मौजूद रहता है, ये इसका टेल है। अब ये जीवाणु भोजी विषाणु जैसा कि इसका प्रकृति है, ये किसको संक्रमित करता है, जीवाणु, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इस जीवाणु भोजी विषाणु को, ऐसे विषाणु को उन्होंने, मान लो कि उन्होंने क्या किया कि अपने लैब में दो टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें पोषक माध्यम लिया गया, और इस पोषक माध्यम में ऐसा जीवाणु भोजी विषाणु लिया गया, ठीक है, और इसमें इसमें ये जो पोषक माध्यम था, जो न्यूट्रिटिव मीडियम था या संवर्धन माध्यम था, इसमें उन्होंने सल्फर, रेडियोएक्टिव सल्फर लिया S35। नॉर्मली सल्फर क्या होता है, S32 होता है, तो उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर लिया, रेडियो सक्रिय सल्फर लिया S35। इसमें उन्होंने मान लिया जाए कि आपका इसमें जीवाणु भोजी विषाणु है, इसको उन्होंने लिया, इसको उन्होंने ग्रो कराया, ठीक है। एक फिर उन्होंने एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में आपकी बारे में उन्होंने क्या किया, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने जो जीवाणु भोजी विषाणु लिया, इसको लेकर के ग्रो कराया टेस्ट ट्यूब में, और यहां पर उन्होंने इस पोषक माध्यम जिसमें वो ग्रो करा रहे हैं, जैसे यहां सल्फर लिया गया था रेडियोएक्टिव सल्फर, इसमें उन्होंने फास्फोरस लिया, रेडियोएक्टिव फास्फोरस लिया P32, मतलब उन्होंने अपने लैब में क्या किया, टेस्टिंग है, टेस्टिंग उन्होंने पोषक माध्यम लिया और एक में उन्होंने ये विषाणु को रखा, इस पोषक माध्यम में रेडियोएक्टिव सल्फर S35 लिया गया था, जनरली नॉर्मल सल्फर क्या होता है S32, और इसमें उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस लिया, ठीक है, P32 लिया, नॉर्मल क्या होता है P30, रेडियोएक्टिव रेडियो सक्रिय फास्फोरस लिया गया। अब नो डाउट कि कुछ समय ग्रो कराने के बाद, कुछ समय ग्रो कराने के बाद ये सब देखा गया कि अब जो नया इससे बैक्टीरियोफाज वायरस बना, जो नया बैक्टीरियोफाज वायरस बना उसके प्रोटीन के आवरण में क्या है कि उसके प्रोटीन के आवरण में, प्रोटीन के आवरण में सल्फर इंटीग्रेट हो गया था, सल्फर का
समावेश हो गया था, क्योंकि प्रोटीन के घटक में यहाँ सल्फर भी होता है। सल्फर जो होता है वो प्रोटीन का एक घटक होता है, प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है। तो ये कुछ समय तो ग्रो कराने के बाद जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस को ग्रो कराया गया इस मीडियम में, इस माध्यम में, तो उसके प्रोटीन के आवरण में क्या पाया गया? सिर्फ प्रोटीन के आवरण में, डीएनए में नहीं, सिर्फ प्रोटीन के आवरण में आपको S35 पाया गया। इस प्रोटीन के आवरण में S35 पाया गया, ठीक है। मींस उन्होंने क्या किया, जो पहला टेस्टिंग उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने पोषक माध्यम के साथ S35 लिया था, रेडियोएक्टिव सल्फर लिया था, इसमें इसको ग्रो कराया, तो कुछ ग्रो कराने के बाद कुछ समय बाद देखा गया कि इसके जो आवरण थे उसमें सल्फर का समावेश हो गया था, डीएनए में नहीं हुआ था, सिर्फ सल्फर में। लाइकवाइज एक ये हो गया पहला टेस्ट ट्यूब, हो गया दूसरा टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया कि जो पोषक माध्यम लिया था, टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली, तो उसमें उन्होंने जो भाई विषाणु को लिया था, जीवाणु को, जीव विषाणु को, इसमें चूंकि वो ग्रो करा लिए हैं फॉस्फोरस 32 रेडियो सक्रिय फॉस्फोरस लिए हैं, तो कुछ समय बाद पाया गया कि इसमें ग्रो करने के बाद जो जीवाणु भोजी विषाणु थे जो जीवाणु भोजी विषाणु कुछ समय के बाद ग्रो करने के बाद पाया गया कि इसके डीएनए में यहां पर प्रोटीन के आवरण में समावेश हुआ था सल्फर का, ठीक है। लेकिन जब विषाणु को जिस पोषक माध्यम ग्रो कराया गया था जिसमें फॉस्फोरस 32 लिया गया था, तो देखा गया कुछ समय के बाद कि ये जो फॉस्फोरस 32 है वो इसके डीएनए में समावेशित हो गया था। फॉस्फोरस कहां समावेशित हो गया था? जीवाणु भोजी विषाणु के डीएनए में। काहे कि फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट होता है। आप लोग पढ़ेंगेगा कि न्यूक्लियोटाइड दो चीज के बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जो ऑलरेडी सुगर और बेस का बना होता है, और प्लस हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, यानी कि डीएनए का पार्ट है, डीएनए का एक घटक है, कंपोनेंट है फॉस्फोरस। तो जब हम रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराए तो कुछ समय बाद यह रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस उसके डीएनए में समावेशित हो गया था। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत, सिंपल सा बात है। हर्षी और चीज एक्सपेरिमेंट कायला हुआ था यह पता करने के लिए कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अपने प्रयोग के लिए उन्होंने किसको सेलेक्ट किया था? जीवाणु भोजी विषाणु को, एक ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है या खा जाता है। ये आपका जीवाणु भोजी विषाणु है जो दो चीज का बना हुआ है, इसका बाहर से जो बना हुआ आवरण है उसे कैप्सिड कहते हैं, जो प्रोटीन का बना हुआ है, इसके अंदर इसका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि दो टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब जो उन्होंने पोषक माध्यम में लिया उसमें सल्फर 35 यानी कि रेडियो सक्रिय सल्फर लिया, और दूसरे जो टेस्ट ट्यूब लिया उसमें जो पोषक माध्यम लिया उसमें फॉस्फोरस 32 लिया। अब उन्होंने जीवाणु भोजी विषाणु ऐसे को कुछ इसमें डाल दिया, कुछ उसमें डाल दिया। अब ग्रो कराने के बाद कुछ समय तक जब ग्रो कराया गया तो देखा गया कि यह सल्फर इसके कैप्सिड में, प्रोटीन का जो कैप्सिड है, ये जो इसका बाहर से जो आवरण है जिसे कैप्सिड कहते हैं, उसमें यह सल्फर का समावेश हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का घटक है सल्फर। फिर ये जो इसमें जो जीवाणु भोजी लेकर के ग्रो कराया गया तो कुछ समय बाद पाया गया कि यह फॉस्फोरस जो है 32 वो उसके डीएनए में समावेशित हो चुका था। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या किया उन्होंने कि ऐसे जीवाणु भोजी विषाणु को मतलब वैसा जीवाणु भोजी विषाणु जिसके प्रोटीन में सल्फर आ गया है, जिसके कैप्सिड में S35 आ गया है, और वैसा जीवाणु भोजी विषाणु जिसके डीएनए में P32 आ गया है, अब ऐसे को अलग अलग इस्चिरिचिया कोलाई नामक जीवाणु के साथ संक्रमण कराया। तो देखिए क्या होता है, हम इसको मिटा देते हैं। अब हम बोले हैं कि जब आप पढ़ने बैठिए तो बुक जरूर रखिए साथ में, और रफ कॉपी आप बुक से भी लाइए, क्योंकि हम बुक का ही कॉपी करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि बुक का एक लाइन समझ में आ जाए, और खासकर आपका एनसीईआरटी बुक ही आपका नोट्स बन जाए। तो आप बुक बाबू जरूर से साथ रखिए और रफ कॉपी पेन रखिए। अगर कोई एक्स्ट्रा बात हम बता रहे हैं तो वहीं लिख डालिए,
नहीं बता रहे हैं तो बुक को ही पढ़िए और बार बार बुक का रीडिंग डालिए, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना बार रीडिंग डालिएगा फायदा होगा। और हम जो समझा रहे उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, ये आपका सपोज इस्टिरिचिया कोलाई है या बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है, जिसका नाम क्या है, ई कोलाई, इस्टिरिचिया कोलाई, ठीक है। अब ये आपका यहां जीवाणु भोजी विषाणु है, तो एक किसको, ये विषाणु किसको संक्रमित करता है, जीवाणु को। ये क्या है, इकोलाई एक जीवाणु का नाम है। यहां ये जो जीवाणु भोजी है, विषाणु है, इसके प्रोटीन में क्या है, ये S35 आ गया है। मतलब अभी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करके कराए थे, ग्रुप कराए थे, तो एक ऐसा जीवाणु भोजी हो गया जिसके प्रोटीन के आवरण में सल्फर है। उसी तरह से मान लिया जाए यहां दूसरा इकोलाई हो गया, ठीक है, और यहां जो जीवाणु भोजी हम विषाणु ले रहे हैं, यहां जो जीवाणु भोजी विषाणु ले रहे हैं, इसका जो डीएनए है उस डीएनए में P32 है। बात समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग, हम अलग अलग इसको जीवाणु के साथ संक्रमित करा रहे हैं, संक्रमण करा रहे हैं विषाणु, कौन विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणु का, जीवाणु के साथ। एक तरफ सल्फर 35 वाला लिए हैं जीवाणु भोजी विषाणु, और दूसरे तरफ हम विषाणु जो लिए हैं, एक लिया है जिसमें जिसके आवरण में सल्फर 35 आ गया है, और एक लिया है जिसके डीएनए में क्या आ गया है, जिसके डीएनए में P32 आ गया है, हम संक्रमित कराएंगे। तो संक्रमण में पहला जो प्रोसेस होता है सरफेस एडजॉर्प्शन। ये सबसे पहले जीवाणु भोजी मान लिया जाए यहां आया, बैठा, और बैठने के बाद सरफेस अटैचमेंट होगा। ये बात से पढ़ना है कि कैसे करता है, तो इसमें जो टेल होते हैं, टेल पिन के उसे सरफेस अटैचमेंट होगा, ठीक है। तो ये भी यहां भी जो आया, ये सबसे पहले इस बैक्टीरिया के कोशिका के सतह पर ये जीवाणु भोजी एडजॉर्ब किया सतह पर। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, उस अगला स्टेप में क्या होगा, ये क्या करता है कि जो इसका तेल है, इसके तेल पिन या जो हेयर पिन होते हैं, उसके हेल्प से फाइनली क्या करता है, ये यहाँ पर प्रोटीन का कैप्सिड जो है, प्रोटीन का जो आवरण है, या इसको आप कह सकते हैं कि बाहर का जो खोल है, वो यहीं रह जाता है, और ये अपने डीएनए को इसमें भीतर भेज देता है, इसको भेजता है डीएनए, यानी कि यहां प्रोटीन का जो आवरण है, वो आवरण बाहर रह गया और भीतर क्या आया, डीएनए सिर्फ, ठीक है। यहां भी वही काम होगा, ये आवरण बाहर रह गया और डीएनए क्या हो गया, अंदर आ गया। किसमें डीएनए अंदर आ गया, किसका डीएनए किसमें आ गया, तो जीवाणु भोजी विषाणु का जो डीएनए है वो इसके जब सतह पर ही चिपका, तो उसके बाद इसके हेयर कह सकते हैं, टेल का जो हेयर है, इसके हेल्प से ये डीएनए इसमें अंदर इंजेक्ट हो गया। प्रोटीन का जो आवरण है वो बाहर रहता है, सिर्फ डीएनए यहाँ आया। उसी तरह से तो यहाँ प्रोटीन वाला जो डीएनए, जो प्रोटीन का आवरण है, इसमें सल्फर 35 है, ठीक है, बाहर आ गया, अंदर आया सिर्फ डीएनए। यहां भी उसी तरह से ये जो प्रोटीन का आवरण आ गया है, ये नॉर्मल वाला प्रोटीन का आवरण है, यानी कि यहां ये S32 वाला नहीं है, ये नॉर्मल है। इसमें जो डीएनए गया है अंदर, ये P35 वाला गया है, और यहां तो डीएनए में कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा,
कि ये डीएनए आएगा। अब वो क्या करेगा कि यह डीएनए यहाँ आया, आप जानते हैं कि ये विषाणु का डीएनए है, ये जीवाणु के डीएनए के साथ मिक्स होगा और अपना मनमानी कराएगा। अब यह डीएनए जीवाणु भोजी के डीएनए से इंटीग्रेट हुआ और अपना मनमानी, अपना वाला प्रोटीन उस डीएनए से, अपना वायरल डीएनए से वायरल आरएनए बनाया, वायरल प्रोटीन बनाया, ठीक है। मतलब ये क्या होगा कि ये विषाणु का डीएनए जीवाणु के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हुआ, अब मान लिया जाए यहाँ इसका डीएनए है, तो ये क्या हुआ कि इसके डीएनए के साथ ये इसका डीएनए इंटीग्रेट हो गया। अब इंटीग्रेट हो गया तो ये क्या बनाएगा, ये विषाणु अपना वाला प्रोटीन बनवाएगा और अपना डीएनए का संख्या ज़्यादा बढ़ा देगा और इसके हेल्प से यहाँ बहुत सारे क्या हो जाएंगे, वायरस बन जाएंगे, बहुत सारे वायरस बन। उसके बाद जो बहुत सारे वायरस बने बन जाएंगे यहाँ बहुत सारे वायरस कैसे बने, तो जो जीवाणु का, जो बैक्टीरिया का, जो अंदर का जो मैकेनिज्म है उसके हेल्प से अपना बहुत सारा वायरस पार्टिकल बना लिया। उसी तरह से यहाँ भी वही होगा, ये आपका डीएनए है, अब ये जीवाणु के डीएनए से इंटीग्रेट हो गया और यहाँ भी डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, तो ये बहुत सारा अपना वायरल आरएनए बना, फिर वायरल प्रोटीन बना, डीएनए का अपना संख्या भी बढ़ाया, बहुत सारा यहाँ भी वायरस बन जाएगा, ठीक। तो ये प्रक्रिया हुआ, तो देखा गया बाद से, इस एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया क्या देखा गया कि पहला जो एक्सपेरिमेंट है, यानी पहला तरह से जो संक्रमण कराया गया था विषाणु का जीवाणु पर या जीवाणु के साथ विषाणु का, तो यहां बहुत सारे वायरस पार्टिकल बने इस जीवाणु कोशिका के अंदर, बहुत सारे विषाणु बने, बहुत सारे विषाणु बने, लेकिन इस किसी भी जो नया बना है अंदर विषाणु, इस किसी भी विषाणु में आपको सल्फर 35 नहीं पाया गया। इस प्रक्रिया से बहुत सारे विषाणु बने इसके अंदर, लेकिन जो भी नया विषाणु बना उसमें किसी में भी सल्फर 35 नहीं पाया गया, सिर्फ जो बाहर प्रोटीन का आवरण रह गया है उसी में S35 पाया गया। बात समझ में आ रहा है, जो इस जीवाणु के शरीर के अंदर जो नया विषाणु बना है उसमें किसी में भी सल्फर 35 नहीं पाया गया, सिर्फ जो बाहर रह गए हैं प्रोटीन के आवरण उसमें पाया गया है। इट मींस कि सीधे सीधी बात है कि ये पहले से सर्वविदित है कि जब विषाणु संक्रमित करता है जीवाणु को तो सिर्फ डीएनए इंजेक्ट करता है, प्रोटीन नहीं इंजेक्ट करता है, प्रोटीन बाहर ही रह गया, यह क्लियर है। ये इसे ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन। तो ये सर्वविदित है, जाना गया है कि विषाणु जब संक्रमण करता है तो सिर्फ डीएनए को अंदर भेजता है, उसका प्रोटीन का जो आवरण है वो बाहर रह जाता है। तो यहाँ जो डीएनए आया, नॉर्मल वाला डीएनए आया, प्रोटीन जो जिसके आवरण में जो जो आवरण था जिसमें सल्फर 35 था वो तो बाहर ही रह गया, इसलिए इसमें डीएनए में कोई बदलाव नहीं है। यहां जो अंदर नया प्रोटीन बना उसके आवरण में S35 पाया ही नहीं गया, जो नया जो विषाणु बना उसके प्रोटीन आवरण में S35 नहीं पाया गया। इससे क्लियर हो गया कि यहां प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं कर रहा है। यहां क्या हुआ भाई, यहां ये हुआ कि
यहां भी वही चीज, पहले सतह पर आया, आने के बाद इसका जो प्रोटीन कार्बन है वो बाहर आ गया, अंदर आया डीएनए, लेकिन वो डीएनए क्या था, रेडियोएक्टिव था। तो यहां देखा गया कि जितने वो डीएनए से आने फिर प्रोटीन बना, जितने नए वायरस बने उस सब के डीएनए में, जितने नए वायरस बने उस सब के अनुवांशिक पदार्थ के साथ सबके डीएनए में फॉस्फोरस 32 मिला। सब में क्या मिला, सबके डीएनए में फॉस्फोरस 32 मिला, यहां सब में फॉस्फोरस 32 मिला, सबके डीएनए में क्या मिला, यानी इस प्रक्रिया के द्वारा जितने नया विषाणु बने, कहां जीवाणु शरीर के अंदर, सबके डीएनए में फॉस्फोरस 32 पाया गया। इट मींस कि क्लियर बात है कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य किया, जो कि हम ऑलरेडी इसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लिए थे, प्रोटीन नहीं किया, प्रोटीन बाहर आ गया, इसलिए नए बने विषाणु में S35 उसके प्रोटीन में नहीं आया, और यहाँ डीएनए जो हम रेडियोएक्टिव जिसमें फॉस्फोरस 32 लिए थे, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ कार्य करता है, चूंकि यह नियम है, वो एक्सपेरिमेंटली यह प्रूफ है कि विषाणु जब संक्रमित करता है तो सिर्फ अपना अनुवांशिक पदार्थ ही इसमें इंजेक्ट करता है, प्रोटीन का अनुमान रह जाता है। तो ये डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, ये क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंट से, चूंकि वो अंदर आया, उसके बाद इसके मशीनरी से, जीवाणु के जो मशीनरी है उसके हेल्प से नए विषाणु पार्ट बने, जो नए विषाणु पार्टिकल बने या नए विषाणु बने, उसके डीएनए में नए बने में P32 पाया गया, सब में P32 पाया गया। इट मीन्स ये क्लियर था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ था, वो डीएनए ही आया इसलिए नया विषाणु में पाया गया, और यहाँ प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं था इसलिए प्रोटीन सिर्फ बाहर वाला पाया गया, अंदर वाला में नहीं पाया, जो नया बना उसमें S35 नहीं आया, बाहर जो रह गया था उसी में रह गया S35 प्रोटीन के आवरण में। और यहाँ पर जो हम जिस विषाणु से संक्रमित कराया उसमें रेडियोएक्टिव P32 था उसके डीएनए में, वो नया बने हुए में भी सब में आया, इसे इंडिकेट हो गया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है जिसको इंजेक्ट करता है, उसी का जो नया बना उसमें भी यह। और इन एक्सपेरिमेंटों के बाद अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं था, कोई बट नहीं था कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है, और इस तरह से हर सी चीज एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि सजीवों में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। यह आप लोगों बाबू पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो ऐसा ही लिखना होगा, ठीक है। अब अगले क्लास में।